इंस्टाग्राम स्टिकर में एक न्यू फीचर ऐड कर दिया गया। यहाँ से मैं अपना इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद देन आपको यहाँ स्टोरी का आइकन दिखाया, स्टोरी के आइकन में आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, तो प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाले आइकन पर करो तो आपको यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो या वीडियो सिलेक्ट करना, तो यहाँ से मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ स्टिकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, स्टिकर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टिकर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ऐड योर टेम्पलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना गाइस, ऐड योर टेम्पलेट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ से आप टैक्स ऐड कर सकते हो, जीएफ ऐड कर सकते हो या तो इमेज ऐड कर सकते हो। यहाँ से मैं आपको एक टैक्स ऐड करके दिखाता हूँ गाइस। यहाँ से मैं लिख देता हूँ ऐड योर फेवरेट मोमेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया, इसको मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। देन आपको यहाँ ऐड यूअर पे दिखा रहा है, ये ऐड यूअर पे आपको इसे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से वो ऐड हो जाएगा, तो थोड़ा हम वेट कर लेते हैं। यहाँ से देखो आपको और भी मोमेंट्स दिखाई दे, आपको अगर चाहिए तो और भी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने जो लिखा है मैं वही ऐड करूँगा यहाँ, हाँ ऐड यूअर फेवरेट मोमेंट, यहाँ से मेरा ऐड हो चुका है। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन देखा, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर दिया, वी ऐड हो चुका है गाइस। अब इस स्टोरी को जैसे ही आप शेयर करोगे, यहाँ से मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ये मैंने शेयर कर दिया, देखो आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने जो यहाँ से शेयर कर दिया। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं शेयर होने तक गाइस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मेरी स्टोरी जो है यहाँ ऐड हो गई है, ठीक है। ऐड होने के बाद आपको इसका यूज़ कैसे करना है वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ से मैं अपने सेकंड अकाउंट में आ जाता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेकंड अकाउंट है, यहाँ से मैं सेकंड अकाउंट में आ गया। सेकंड अकाउंट पर आने के बाद जो यहाँ आपको स्टोरी दिखाई दे रही है ना, ये मेरा ही अकाउंट है, विकास भारती जो है ना, ये मेरा ही अकाउंट है। इस पर आपको क्लिक करना है, स्टोरी पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ लास्ट मोमेंट पर आ जाना है और आपको यहाँ ऐड यूअर पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड यूअर पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप चाहे तो आपकी वीडियो भी ऐड कर सकते हो और चाहे तो फोटो भी ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ फ़ोटो ऐड करके दिखा देता हूँ। कोई भी यहाँ से मैं जो एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ गाइस, ठीक है, मैं सिलेक्ट करके बता देता आपको। यहाँ से मैंने ये वाला फ़ोटो है जो ऐड कर लिया, ठीक है। फ़ोटो ऐड करने के बाद अब यहाँ से आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हो और आपको यहाँ से क्या करना, शेयर कर देना। जैसे आप यहाँ से शेयर करोगे, मैं शेयर करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने शेयर किया, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से जो है हमारी स्टोरी ऐड हो चुकी है। और यहाँ आप जैसे क्लिक करते हो तो देख सकते हो आप कि जो है ऐड हो चुका है यहाँ, ठीक है। इसकी मदद से क्या होता है गाइस, आपके जो बाहर के फॉलोअर्स होंगे, ठीक है, कोई भी यूज़र होगा, ये जो आपने ऐड किया है ना वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। जो आपने ऐड योर फेवरेट मोमेंट लिखा है ना, तो आप जितने भी फॉलोअर्स होंगे ना आपके, वो तो ऐड करेंगे, साथ ही साथ बाहर के भी फॉलोअर्स आएंगे। इससे क्या होगा, आपका स्टोरी व्यूज़ भी बढ़ेगा, ठीक है, और आपकी प्रोफाइल अच्छी लगे तो आपको फॉलो भी कर सकते हो। तो इसमें अभी फ़िलहाल दो आपको दो दिखा रहा है, क्योंकि दो जन ने इसमें ऐड किया, एक मैंने और मेरे एक सेकेंड अकाउंट से किया है। आपको पहले भी पहला अकाउंट पर जाके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ अपने स्टोरी पे, देन स्टोरी पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो कि दो चीज़ ऐड हुई है, ठीक है, यहाँ दो जन ने स्टोरी ऐड किया है। और ये ना ऐड होते जाएगा, इस बाहर के भी जो यूज़र्स है वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल जो है आपको दो जन दिखा रहे, क्योंकि हम दो जन ने किया है, क्योंकि एक मेरा अकाउंट है, एक सेकेंड अकाउंट से मैंने किया है। लेकिन आप बाहर के फॉलोअर्स होंगे या आपके फॉलोअर्स होंगे वो भी ऐड करेंगे, और जैसे जैसे ऐड होगा और ये कंटिन्यू चलते जाएगा। अगर स्टोरी आपकी 24 घंटे में एक्सपायर भी हो जाती है तो भी इसमें ऐड होते रहेंगे स्टोरी, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम ने ये फीचर निकाला। ये फीचर के मदद से ना वैसे अपने स्टोरी व्यूज़ बढ़ा सकते हो और अपने फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए इसके वजह से, ठीक है। तो यही अपडेट था, मुझे आपको बताना था। ये अपडेट आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएगा हमें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी बेहतरीन टिप्स एंड टिप्स के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।